स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.2 ऑफ क्लास 7. सो आर क्वेश्चन नंबर 5 इज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ये गिवन है आपको पैरेललोग्राम. क्यू एम इज द हाइट. एक ये हाइट दे रखी है, सेम ये भी हाइट दे रखी है. जब ये हाइट है तो इसका बेस ये होगा, जब ये हाइट दे रखी है तो इसका बेस ये होगा, राइट. If SR equals to 12 cm, that means this SR is given equals to 12 cm. बेस पता है, हाइट पता है, एरिया निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया. अब इस साइड फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इसी से, बेस और हाइट से. सेकेंड पार्ट QN फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है. एरिया पता है, एरिया पता है, हाइट फाइंड करनी है. बेस भी आपको यहां पे दे रखा होगा. यस, गिवन PS इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ये भी गिवन है, ये नहीं गिवन है. एरिया लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले में थर्ड में एक चीज मिसिंग थी, दो पता हो तो थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, राइट. लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्यूशन जो जो पहले गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग. गिवन क्या दे रखा है उसने, एस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ये एस आर 12 सेंटीमीटर गिवन थी, राइट. और उसने दे रखा है आपको क्यू एम, वो दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर, ये हमने ऑलरेडी लिख रखी है. उसके बाद उसने दे रखा है पी एस, दैट इज 8 सेंटीमीटर. ये वाली हाइट भी आपको, सॉरी बेस भी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना ये और ये. पहले तो ये फाइंड करना मुश्किल होगा क्योंकि मेरे को एरिया नहीं पता. अगर मैं ये छोड़ दूँ, एक ये नहीं पता, दूसरा एरिया, दो चीज़ें पता हो तो थर्ड निकलेगी. अब यहाँ मैं इसको छोड़ के ये बेस और ये हाइट लेके क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगी. यहाँ पे अब आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए आपके पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट. बेस आपके पास है 12, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, और हाइट आपके पास है 7.6. अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब एरिया पता चल गया, बेस पता है, हाइट निकल आएगी सेम एज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में जहाँ मिसिंग वैल्यूज हमने फाइंड करी थी, एक फिर से लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस आपके पास ऑलरेडी है 8, हाइट हमें नहीं पता, दैट इज क्यू एन. क्यू एन ही उसने फाइंड करने को बोला हुआ है. अब ये इस साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा. 91.2 अपॉन 8 इक्वल्स टू क्यू एन. जब डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आएगा डिवाइड करने के बाद 11.4 सेंटीमीटर, राइट, क्यू एन. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे आपके पास डी एल और बी एम दो हाइट्स दे रखी हैं. जो डी एल है आपकी हाइट, ये किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर. ये वाली हाइट किसके ऊपर है, इसके ऊपर, ए डी के ऊपर, राइट. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. ए बी दे रखी है मतलब ये दे रखी है, ए डी दे रखी है मतलब ये दे रखी है. फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, हो जाएगी आराम से. ये देखो एरिया गिवन है, बेस गिवन है, ये वाली हाइट फाइंड हो जाएगी. सेम एरिया गिवन है, ये वाली बेस आपको गिवन है, तो ये वाली हाइट भी फाइंड हो जाएगी सेम एज लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. जो गिवन है पहले हम फिगर पे मेंशन कर लेते हैं. ए बी दे रखी है उसने 35, उसके बाद ये भी आपको गिवन है, ये दे रखी है उसने ए डी 49 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. ये हमें फाइंड करनी है दोनों. एरिया आपको गिवन है, सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद आपको जो दे रखा है ए बी और ए डी, वो भी हम लिख लेंगे बेस
ए बी, पहले बेस ए बी लिखा 35 सेंटीमीटर, फिर बेस ए डी लिखा, दैट इज गिवन 49 सेंटीमीटर, राइट। सिंस पहले जो हम लेके चल रहे हैं, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो मर्जी यूज़ कर लो, पहले ये वाली बेस लेके क्वेश्चन करना है, ये वाला बेस लेके करो, अगर ये बेस लेके चलना है तो ये बेस लेके चलो, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, तो ये पहले 1470। अब बेस देखो जो भी लेके चलना है आपका, डिपेंड करता है आपके ऊपर, पहले मैं इस बेस के साथ कर रही हूँ क्वेश्चन को, 35 के साथ 35। हाइट मेरे को नहीं पता है इस पे, यहाँ मैं लिख रही हूँ डी एल, राइट। ये इधर 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, जब इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास आएगा 42, तो डी एल, डी एल की हाइट आ गई आपके पास 42 सेंटीमीटर। एक हाइट तो हो गई इस बेस के साथ, अब इस बेस के साथ करेंगे सेम वही, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू वही बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम रहेगा, बेस चेंज हो गया, अब बेस यहाँ पे क्या है, बेस मेरा हो गया एडी, राइट 49, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 एंड हाइट यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीएम, यही उसने फाइंड करने को बोल रहा है हमें, तो हाइट यहाँ पे मेंशन करोगे बीएम, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बीएम, राइट। अब 1470, 49 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा फिर से डिवाइड, जब डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आएगा 30 सेंटीमीटर। सो दीज आर द हाइट्स ऑफ पैरेललोग्राम रिस्पेक्टिवली, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, डी एल 42 एंड बी एम 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए, ये हमारी फिगर 11.25, एबीसी ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल बन रहा है इसके ऊपर, मतलब ये बेस ले लो, ये हाइट ले लो, या ये बेस ये हाइट, आपकी मर्जी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कहता ए डी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर बी सी के ऊपर, दिस इज डी, ए डी बी सी, अब बेस ये भी है और हाइट एक ये भी दे रखी है, ए बी आपको गिवन, ये बी सी गिवन, ए सी गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, एरिया निकालना है, उसके बाद लेंथ निकालनी है। एरिया तो सिंपली तो पहले निकाल ही लोगे, क्योंकि इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो बेस ये हो गया, हाइट ये होगी, सिंपली निकाल लिया, अब एरिया आ गया, अब फिर आप ये छोड़ दोगे, हाइट ये और बेस ये मेंशन करके आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी बी ए सी है ना, क्योंकि ए पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, ट्राइंगल ऐसे दे रखी, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर ये ए 90 डिग्री है तो ये बेस ले लो आप, चाहे ये बेस ले लो, परपेंडिकुलर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास ये ट्राइंगल हो गई, उसके बाद नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे ए बी, गिवन है उसकी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए सी आपको दे रखी है, ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है बी, ये आपको दे रखी है 5, ये दे रखी है 12, ए सी 12 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आपको दे रखा है, आप 5 लेना चाहते हो 5 ले लो, 12 लेना चाहते हो 12 ले लो, तो ये हो गया 6, तो 5/6 का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एरिया पता है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये हो गई हाइट, ये भी आपको फाइंड करनी है, अब ये फाइंड करनी है हमें, बेस पता है, एरिया पता चल गया, आगे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी या ए बी सी, जैसे मर्जी लिख लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आया हमारे पास 30, 1/2 बेस आपको मैंने पहले ही बताया कितना है 13, हाइट यहाँ डी था, ये आ गया बेस 13, हाइट हो गई ए डी, राइट। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये 13 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया 60/13 ए डी, राइट।
अब इसको आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करके हमारे पास जो भी आएगा दैट इज़ द आंसर। लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आपकी बुक के पीछे का आंसर दे रखा है वो इतना ही दे रखा है, आप डिवाइड भी कर सकते हो, नो इशू। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी विल डू आर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 है और बी सी उसने दे रखी है 9 टोटल, राइट। हाइट ऑफ ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, एक हाइट ये दे रखी है, गिवन है आपके पास, और एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड हो जाएगा, बेस पता है, हाइट पता है, एरिया आ गया, और दूसरी हाइट आपको फाइंड करनी है, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। अब एरिया पता चल गया, बेस पता है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, फिर से दो चीज़ें पता है, थर्ड आप फाइंड आउट कर लोगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बेस बी सी 9 सेंटीमीटर, हाइट ए डी दैट इज 6 सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 9 हाइट 6, कटिंग पॉसिबल है कटिंग कर, तो ये आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। अभी हाइट फाइंड करनी है, नाउ अगेन, अभी ट्राइंगल थी आपके पास ऐसे, अब एक यहाँ से उसने हाइट दे रखी है आपको, ये साइड आपको पता है 7.5 दे रखी है, ये आपको फाइंड करनी है, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी बेस पता है, हाइट नहीं पता है, ये सी है, ये हमारे पास ई है, तो ये आपके पास 27 हो गया, 1/2 बेस 7.5, हाइट को एच ही लिखेंगे या ई सी लिख सकते हो, ई सी लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 7.5 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, 7.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 54, 7.5 इक्वल्स टू ई सी। अब जब इनको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7.2, ई सी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, लास्ट में लिखोगे दस हाइट फ्रॉम सी टू ए बी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर एक्सरसाइज 11.2। इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली, राइट। थैंक यू।